सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके विंडोज़ 10 या फिर विंडोज़ 11 पीसी में जो है जब भी आप अपने कोई कुछ भी वीडियोज़ जो है मूवीज़ एंड टीवी ऐप में जो है ओपन कर रहे हैं तो उस समय जो है दोस्तों वो फुल स्क्रीन में जो है शो नहीं कर रहा है फर्स्ट टाइम जब भी आप उसको ओपन कर रहे हैं। तो मैं एक जो है वीडियो यहाँ पे एक प्ले करके आपको बताऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं जो है एक वीडियो प्ले किया हूँ। जब भी आप वीडियो को जो है प्ले कर रहे हैं तो इस तरीके से जो है दोस्तों वो स्मॉल स्क्रीन में आपको शो कर रहा है। अगर आपको फुल स्क्रीन में जाना है तो आपको यहाँ से मैन्युअली जो है दोस्तों फुल स्क्रीन बटन जो है प्रेस करना पड़ता है एवरी टाइम। तो अगर आप ये इशू को फिक्स करना चाह रहे हैं तो आप उसको इजीली जो है कर सकते हैं। तो इसको कैसे करते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। विंडोज़ की बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पे जो है सर्च कीजिए मूवीज़ एंड टीवी, सॉरी अब इसका जो नाम है अपडेट के बाद चेंज हो रहा है फिल्म्स एंड टीवी, आपको जो है इस तरह का नाम जो है अभी शो कर रहा है। तो जस्ट इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको जाना है टॉप राइट साइड में जो थ्री डॉट्स हैं उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से जो है सेटिंग्स को ओपन कीजिए। सेटिंग्स में जो है दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं ऑलवेज स्टार्ट वीडियोस इन फुल स्क्रीन प्लेबैक में आपको ऑप्शन मिलेगा, इसको जो है इनेबल कीजिए। दैट्स इट, अब आप इसको जो है इजीली क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, क्लोज करने के बाद जब भी आप अपना कोई भी वीडियोस ओपन करेंगे वो ऑटोमेटिकली जो है दोस्तों फुल स्क्रीन में ही प्ले होगा। अभी मैं आपको बताऊँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों डायरेक्टली अभी वो जो है फुल स्क्रीन में प्ले हो रहा है। अभी आपको मैन्युअली फुल स्क्रीन में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप इजीली जो है इस इश्यू को फिक्स कर सकते हैं। तो बस दोस्तों ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में बताने के लिए, इजी सा शॉर्ट सा सिंपल सा वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलते हैं इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।